करीना कपूर और शिल्पा शेट्टी दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी खूबसूरत दिलनशी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने शादी के बाद अपने पति का नाम अपनाया है और आज अपने पति का सरनेम अपनाकर एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने शादी के बावजूद भी अपने पति का नाम नहीं अपनाया है और वो अपने पिता के सरनेम के साथ ही शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं। अगर नहीं जानते तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने शादी के बाद अपने पति का सरनेम नहीं अपनाया है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। नंबर वन, रानी मुखर्जी। 90 के दशक की शानदार अभिनेत्री रानी मुखर्जी की बात करें तो उन्होंने जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा से शादी की है, मगर शादी के इतने सालों तक भी इन्होंने अपने पति का सरनेम नहीं अपनाया है, बल्कि आज भी इन्हें सभी रानी मुखर्जी ही कहकर बुलाते हैं। नंबर टू, अनुष्का शर्मा। पीके और सुल्तान जैसी फिल्मों में नजर आई अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने इंडियन फेमस क्रिकेटर विराट कोहली से शादी की है, मगर लव मैरिज करने के बावजूद भी इन्होंने अपने पति का नाम नहीं अपनाया है, बल्कि आज भी इनका सरनेम शर्मा ही है और इन्हें सभी अनुष्का शर्मा कहकर ही पुकारना पसंद करते हैं। नंबर थ्री, कैटरीना कैफ। विकी कौशल के साथ साल 2021 में लव मैरिज करने वाली कैटरीना कैफ ने अभी तक इन्होंने अपने पति विकी कौशल का सरनेम नहीं अपनाया है, बल्कि ये अपने नाम के पीछे आज भी कैफ लगाना ही पसंद करती हैं। नंबर फोर, दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड की गॉर्जियस अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भले ही कुछ लोग मिसेस रणबीर कहते हैं, पर इन्होंने ऑफिशियली अपना नाम दीपिका पादुकोण ही रखा हुआ है। शादी के 3 साल बाद भी दीपिका पादुकोण ने रणबीर सिंह का सरनेम नहीं अपनाया है, बल्कि आज भी अपने पीछे अपने पापा का सरनेम ही लगाती हैं। नंबर फाइव, काजोल। बॉलीवुड की नटखट अभिनेत्री काजोल ने अजय देवगन से साल 1999 में शादी की, मगर शादी के इतने सालों बाद तक भी इन्होंने अपने पति अजय देवगन का सरनेम नहीं अपनाया है, बल्कि आज भी सभी इन्हें सिर्फ काजोल के नाम से ही जानते हैं, ये भी अपने पीछे किसी का सरनेम नहीं लगाती हैं। नंबर सिक्स, प्रीति जिंटा। डिम्पल गर्ल प्रीति जिंटा ने विदेशी फाइनेंशियल एनालिस्ट जिन गुडेनफ से शादी की है, मगर शादी के इतने साल बाद तक भी इन्होंने अपने पति का सरनेम नहीं अपनाया है, बल्कि आज भी अपने नाम के पीछे अपना सरनेम जिंटा ही लगाती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन अभिनेत्रियों को अपने पति का सरनेम अपनाना चाहिए? आप हमें अपना जवाब कमेंट करके बताएं और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।